आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की फर्स्ट सीएनजी बाइक पे, जिसका नाम है फ्रीडम, और ये बजाज की तरफ से आने वाली है। फर्स्ट टाइम बात करने वाले हैं हम इस फ्रीडम के बारे में, और बता दूं इस बारे में कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं इसमें फुल वॉक अराउंड करने वाला हूँ, इसका माइलेज बताने वाला हूँ, साथ में इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, कितने मॉडल्स आते हैं, कितने कलर्स आते हैं, और हमें ये एक्स शोरूम क्या पड़ रही है और ऑन रोड क्या पड़ रही है, ठीक है, सारी प्राइस लिस्ट की बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु नाथा, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इस की से, सो उसकी की से बात करते हैं। ये दो की मिलने वाली है आपको, और की बहुत सिंपलिस्टिक की है, कुछ भी आपको डिफरेंट नजर आए, बहुत हल्की टाइप की की रखी गई है। इस टाइप से छोटी सी की है, देख लेते हैं, ये बजाज का फुल लोगो दिखा हुआ है, और इस टाइप से की मिलेगी, एक की एक्स्ट्रा है। चलो की पे बात करते हैं, कहता हूँ बात करते हैं इस बाइक से। फ्रंट लुक देखेंगे इस बाइक का, तो इस टाइप से कुछ नजर आने वाला है, और दोनों साइड जो इंडिकेटर है वो नॉर्मल वाले हैलोजन वाले मिलने वाले हैं। फ्रंट लुक आप देखेंगे, टॉप मॉडल है बजाज फ्रीडम का। फ्रंट लुक आप देखते हैं तो आपको एलईडी मिलती है, हाई बीम और लो बीम, ठीक है, ये दोनों एलईडी हैं, और जैसे आप ऑन करते हो डे रनिंग लाइट आपकी ऑन हो जाती है। और फ्रंट लुक आप देखते हैं तो यहाँ फ्रीडम की बीजिंग दिखेगी आपको इस टाइप से, इंडिया का लोगो बीच में लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। और नीचे की तरफ आते हैं तो आपको डिस्प्ले मिलता है, ये डिस्प्ले आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा, जो मीडियम साइड मॉडल है उसमें नहीं देखने को मिलेगा, बेस मॉडल है उसमें नहीं देखने मिलेगा। अलॉय व्हील की बात करूँ, ये तीनों मॉडल में देखने को मिलेगा। और टायर की ग्रिप की बात करूँ, इस टाइप से आपको टायर की ग्रिप नजर आएगी, जो ऑफ रोडिंग और नॉर्मल जो रोड ट्रिप है उनमें भी आपको ये टायर काम आने वाला है। इसमें ग्रिप काफी अच्छी लग रही है दिखने में भी। हॉर्न की बात करूँ तो साइड सिंगल हॉर्न आपको देखने को मिलेगा, और शॉकर्स काफी अच्छा लुक है। फ्रंट लुक मुझे काफी डिसेंट लगा, आपको अलग ही फोटो और वीडियो में देखने में थोड़ी अजीब लग सकती है, जो एक होंडा की क्लिक करके आती थी उस टाइप का लुक नजर आएगा, बट फ्रेम चीज की बात करें तो फ्रेम काफी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला आपको इसके अंदर। इसमें यहाँ से लेके ये पूरा फ्रेम वन साइड में मतलब कंप्लीट करके मिला हुआ है, ये साइड देखेंगे आप साइड में। और बात करूँ आप इसकी जैसे क्लस्टरमीटर की, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, साइड देखिए आपको एडजस्ट शूट मिल रहा है आपको, सो यहाँ से आप इसको हाइट जो इसकी साइज है उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे ऊपर नीचे, और ये साइड मिरर्स कुछ इस टाइप से नजर आएंगे। आपको एसेसरीज में लेने पड़ेंगे साथ में, आजकल क्या है कि साथ में नहीं आते, आपको एसेसरीज में लेने पड़ेंगे साइड मिरर्स। आप चाहो तो इनको ना लगे यहाँ वाले भी लगा सकते हो, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करा सकते हो, उसके भी बताऊंगा अलग से वीडियो में कि कैसे कैसे आप इसको मॉडिफाई कराते हो। अब बात करते हैं चाबी लगा के, इसकी लास्ट में करेंगे, सबसे पहले आप करें बात करते हैं कि साइड से हैंडलिंग की, तो उसके बारे में बात करूंगा अभी आपके लिए। और सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एडिशन आपको मैंने दिखा दिया, साइड में आपको मिलता है साइड में लॉक सिस्टम, जिससे आप इस गाड़ी की जो पीछे की तरफ कुछ अगर ले जाना चाहते हैं लगेज वगैरह तो उसको भी आप बांध सकते हैं। तो आपके लिए कैरी होल्डिंग वाले जो ग्रैप हैंडल आते हैं साइड के, होल्डिंग बात कर सकते हो, ये आपको साइड में दे रखा है, जहाँ से आप इजिली तो कैरी कैरी बैग या कुछ भी है उसको आप स्ट्रैप कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है NG04 इसका मॉडल नेम है, और इधर देख लीजिए, तो साइड का जो ये पोर्शन है ये आपको काफी मस्कुलर लगेगा, आपको ये लगेगा कि एडवेंचर बाइक है, और फर्स्ट टाइम किसी बाइक में मोनोशॉकर दिया गया है इस सेगमेंट की जो बाइक है उस टाइम। टायर की बात करूँ तो आपको जैसे डिस्पेक मिलता है, और वो टायर मिलता है R17 का, और ये रियर टायर देखने को मिलेगा R16 का। साइड इसका जो बेजिंग है कोड, जिसका मॉडल कोड है उसका नाम है NG04। और दूसरी बात करूँ तो इसमें आपको गियर मिलते हैं, 5 गियर मिलेंगे आपको, जो गियर बॉक्स है 5 गियर बॉक्स है। इस सेगमेंट 125 सीसी के अंदर आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे। माइलेज की बात करूँ आपको, माइलेज आपको मिलने वाला है यहाँ पे पेट्रोल के अंदर तो लगभग 65 का, और CNG मिलने वाला है 102 का। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें अपन, तो इस टाइप से आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। अब ऑन करते हैं, जैसे कि आपकी सामने डिस्प्ले आती है, डिस्प्ले आने के बाद आप देखते हैं तो आपको बता दूं, एक सेकेंड, इस टाइप से आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, इस साइड CNG का टैंक देखने को मिलेगा, बट इसमें पेट्रोल का आपको अलग से कहीं भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा। जब आपकी गाड़ी लो फ्यूल पे आ जाती है तब आपको यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलेगा कि आपकी गाड़ी लो फ्यूल पे है। 2 किलो का आपको टैंक देखने को मिलेगा CNG का, और 2 किलो का टैंक देखने को मिलेगा पेट्रोल का, और इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। और ऊपर टाइम देखने को मिलेगा, रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ डिफरेंट नजर नहीं आएगा आपको यहाँ पे, इसका बटन यहाँ दे रखा है आपको, इसको दबा दबा के आप आगे पीछे इसको करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इस साइड आपको ये USB चार्जर देखने को मिलेगा, और CNG और पेट्रोल में आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप जिसको करके स्टार्ट करके आपको एक्सलेट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ये CNG जो है वो पेट्रोल पे आ जाएगा। एवरेज जो दिखाएगा मीटर में वो ओनली आपको CNG में दिखाएगा, पेट्रोल में नहीं दिखाएगा, वो एक है। दूसरा ये डिपर वाला बटन आप देख लीजिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ये इंडिकेटर आपको इस टाइप से देखने को मिलते हैं इस गाड़ी की। हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं नॉर्मली, और इस साइड साइड मिरर, एक्सेलेट,
इस साइड से आपको स्टार्ट करनी गाड़ी, इधर आप फोन मिलने वाला है, ऐसा डिसेंट टाइप का, इस टाइप से आपको हॉर्न नज़र आता है। और अब बात करते हैं इस साइड की डिज़ाइन की। तो यहाँ ये डिज़ाइन आई थिंक मेरे हिसाब से जब पानी वगैरह जाता है बारिश का तो उसके लिए डिज़ाइन दे रखी है, बाकी तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। और अब साइड लुक की बात करते हैं दोबारा से, तो ये इस टाइप से आपको साइड लुक मिलता है। साइड देखेंगे तो फुल स्टैंड इंजन आपका मिलता है, वन सिलेंडर इंजन है जो 125 मतलब 125 सीसी वन सिलेंडर इंजन, जिसमें पावर प्रोड्यूस करता है 8.5 4000 आरपीएम के साथ आपको ये पावर प्रोड्यूस करेगा, सॉरी 8000 के साथ आपको पावर प्रोड्यूस करेगा, जिसमें 8.5 bhp 125 सिंगल इंजन वाला ये आपका इंजन मिलता है आपको यहाँ पे। ये गियर क्या आपके मडफ्लिप बोल सकते हैं अपन, हाँ। और मडफ्लिप की डिज़ाइन भी अच्छी है, मतलब देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की है। फुल स्टैंड आपका, ये जो चेन है इस टाइप से आपको चेन नज़र आएगी इस बाइक की, काफ़ी अच्छा लुक दिया है इसने। ये पीछे आपका ये कवर हो जाता है पीछे तक, ताकि चेन में भी डैमेज नहीं होता, चेन ओपन है तो बेस्ट है, क्योंकि कवर हुई चेन में आप इजीली उसको क्लीन करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा। इसके अलावा क्या बचा है आप जो आपको बताया नहीं, इस टाइप से आप इंडिकेटर देख सकते हैं, रियर लाइट आपको काफ़ी कमाल देखने को मिलेगी। अब बात करता हूँ आपको टैंक खोल के दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको टैंक नज़र आता है। खोलने के लिए सिंपल सा है, घुमाइए इसको निकालें, ये आपका पेट्रोल का है, इस टाइप से आपको पेट्रोल कैप नज़र आती है। पेट्रोल डालने के लिए आपको थोड़ा सा इजी होना पड़ेगा कैरी, क्योंकि ये क्या कि थोड़ा सा ग्रैप इस टाइप से दिख रहा है आपको, जो टैंक है वो इधर है फ्यूल का, तो आपको डाल जब आप फ्यूल डलवाएं तो इजीली डलवाएं ताकि बाहर ना गिरे, क्योंकि 2 लीटर का टैंक है। जब भी ये लो फ्यूल पर आएगा तभी आपको इंडिकेशन आपको नज़र आएगा, वरना आप इंडिकेशन कोई नज़र नहीं आने वाला आपको, इसका अलग से कोई मीटर नहीं है। और ये है आपके सीएनजी का कैप्सूल जो बोलते हैं आप, इसको निकालना के लिए आपको इस टाइप से निकलेगा ये, जो आपको डलाना हो और वापस डला के इसको पैक कर दें इजीली, आपका ये पैक हो जाएगा इस टाइप से। और हर 2 साल बाद आपको सीएनजी चेक कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे जाके, और इस टाइप से ये आपके सीएनजी मोटरसाइकिल हो जाती है। सो अगर कुछ जानना है इसके बारे में, हाँ, आप प्राइस की बात करते हैं तो इसमें जैसे 3 मॉडल है और 7 कलर आपको अवेलेबल होता है इस बाइक के अंदर। सो अब 7 कलर लेते हैं आप अगर इसमें, सो आपको 2 कलर तो मैं आपको यहीं दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो टॉप मॉडल की बात हुई वो आपको ऑन रोड 1,29,000 का पड़ने वाला है, फाइनेंस अगर आप कराना चाहते हैं तो 8.6 इंटरेस्ट के साथ आपको, 8.6 इंटरेस्ट के साथ आपको बजाज शोरूम में आपको फाइनेंस हो जाएगा। 2 मॉडल और हैं जिसमें इस वाले मॉडल में आपको 5 कलर अवेलेबल होंगे, वैसे टोटल 7 कलर है, जो 20 मॉडल उसमें 2 कलर अवेलेबल होंगे, जो सेकंड टॉप मॉडल उसमें 4 कलर अवेलेबल होंगे। सो ये तो हो गए आपके 3 कलर, जैसे कि ये कलर है और दूसरा कलर इस साइड भी दे रखा है आप देखेंगे। सो ये इसका ये दूसरा वाला कलर है, और ये वाला जो मॉडल है ये वाला आपका वही टॉप मॉडल है, इसमें ये ब्लैक कलर है, सिल्वर कलर की साइड में डिज़ाइन दे रखी है, इस टाइप से देखेंगे ये साइड में जो डिज़ाइन है सिल्वर कलर से, ये फुल ब्लैक कलर है आपके लिए, वो बताया था वो थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर था। सो ब्लैक कलर लेना चाहें तो ब्लैक कलर आप ले सकते हैं, सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब, ये टॉप मॉडल है तो सब कुछ वही मिलने वाला है। और ये जो मैंने दिखाया आपको ये कलर, एक ये वाला कलर है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, एक और है आपको सेकंड टॉप भी दिखा देता हूँ, वो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ये देख पाएंगे तो आपको रेड कलर अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला टॉप मॉडल है और ये इस टाइप में रेड कलर का लुक इस टाइप से नज़र आने वाला। तो सेकंड टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेगा, आपको जो डिस्प्लेक है वो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सेम गाड़ी है, वही डिज़ाइन है, सीट कवर की डिज़ाइन भी आई थिंक थोड़ी चेंज है, आप देखेंगे तो सीट कवर की डिज़ाइन थोड़ी चेंज मिलेगी आप। जो आपको और बतानी है इसकी सीट कैसे ओपन होती है वो भी फीचर मैं आपको बता दूँ। चाबी लेनी है और ये नीचे दिखा है आपको, यहाँ इस चाबी को लगाना है और घुमाना है, उसके बाद आपकी सीट बाहर आ जाएगी, इस टाइप से सीट आएगी, ये सीट निकाल दी मैंने। और ये देखेंगे आप नीचे तो आपको उसको सिलेंडर नज़र आने वाला है, साइड आपकी बैटरी है, टूल किट नज़र आएगा, और ये आपका सीएनजी सिलेंडर आपको इस टाइप से नज़र आने वाला, कुछ जो है लगभग 16 किलो का, जिसमें आपको लगभग सीएनजी आएगी, इसमें 2 किलो और 2 किलो आपको मिलेगी पेट्रोल, तो ये दोनों कैपेसिटी है। वही इजी ट्रिक है, वापस उसको लगाना है और आपको चाबी को मर्ज कर देना तो आपकी सीट वापस से लॉक हो जाएगी। ये सीट लॉक वापस खोलने के लिए आपको यहीं से आके उसको घुमाना पड़ेगा, तो आपकी सीट भी वापस से ओपन हो जाएगी। सो ये वाला फीचर है। इसके अलावा कुछ जानना है इस गाड़ी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता दो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या क्या उसका अपडेट रहता है। वैसे मैं लेने की सोच रहा हूँ गाइस इसको, तो कौन सा कलर लिया जाए कमेंट करके जरूर बताना। इसकी शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा, उसमें मैंने इसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।